प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया, और आज काफी अरसे के बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हामिद बाशानी साहब. सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो. थैंक यू जी, आपका शुक्रिया. बैरिस्टर साहब, इस वक्त हमारे पास खबरें तो बहुत ज्यादा चल रही हैं, जैसा कि आप जानते हैं बहुत हैपनिंग्स हो रही हैं दुनिया में. लेकिन जब हम देखते हैं तो अभी की जो लेटेस्ट न्यूज मेरे सामने आई है कि इंडिया और यूएस के बीच जो एक विजिट हो रहा है राजनाथ सिंह, जो कि यूएस में है, और बहुत सारी इसमें खबरें आई कि इंडिया और यूएस जो है वो एक नेचुरल पार्टनर है. तो इसी के साथ इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट अब ये हुई है कि एक बड़ी डील, बड़ी परचेज अप्रूव कर दी गई है, और वो है $52.8 मिलियन का इक्विपमेंट है जो कि सबमरीन्स अमेरिका की तरफ से. एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि इसको अप्रूव कर दिया गया. अच्छा, अब इसके अंदर ये है कि ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस हैं के लिए है, और इसके अंदर इक्विपमेंट विल इंप्रूव इंडियाज एबिलिटी टू एड्रेस थ्रेट्स इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ एशियन रीजन. एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, और सर इसी के साथ यूक्रेन के हवाले से एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है, उस पर हम आते हैं इसके बाद. लेकिन सर, ये आप समझते हैं कि चाइना, पाकिस्तान या जो एक रीजन में जिस तरीके से देखा जाता है कंट्रीज, इसको वैसे ही देखेंगे? और साथ में सर ये भी कि दरमियान में बड़ी खबरें चलती रही कि भाई ये तो अमेरिका जो है वो इंडिया के खिलाफ हो गया है, ये तो ताल्लुकात बड़े खराब हो गए हैं. नहीं नहीं लेकिन हमने देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब उलट काम हो रहा है. आप इसको सर कैसे देखते हैं, क्या इसके ऊपर कहेंगे? देखें जी, खबरों और ख्वाहिशात में जो है वो बड़ा फर्क होता है. मैं समझता हूँ कि ये ख्वाहिशात जो हैं वो साउथ एशियन रीजन में एक बड़ी पावरफुल किस्म की लॉबी है, जिसकी इस तरह की ख्वाहिशात हैं कि कोई भी इस तरह के छोटी मोटी जो कोई इंडिकेशन मिलती है तो उसको एक बहुत बड़ी खबर बना के पेश करते हैं. चूँकि रीजन के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके कई डायमेंशंस हैं, और स्पेसिफिकली जो इंडोफोबिया है और इंडो पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट है, अगर उसको अब कॉन्फ्लिक्ट कहा जाए, जबकि मैं समझता हूँ कि अब हमें उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, छोटा मोटा टेंशन है, उसको जो लोग हाईलाइट करना चाहते हैं तो वो जो है इस तरह की खबरें फैलाते हैं. और उसके पीछे फलसफा क्या है कि इंडिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ वर्ल्ड स्टेज पे, जिसमें के बहुत सारे जो है वो जो हाई रिस्क किस्म के स्पॉट्स हैं उनको वो डिस्कस कर रहे हैं, वो ख्वा इंडो पैसिफिक हो या साउथ एशियन रीजन के अंदर लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हों. तो उसमें जो है वो दूसरे कुछ मुल्क जाहिर है वो रोल तो प्ले नहीं कर सकते, ना कभी हिस्टोरिकली उन्होंने इस तरह का कोई विजन डेवलप किया, तो वो उसको सबोटाज करने के लिए इस तरह की जो है वो खबरें देते रहते हैं, ख्वाहिशात के लबादे में, खबरों के लबादे में ख्वाहिशात को लपेट के तो पेश करते रहते हैं. जहाँ तक असल हकायक का ताल्लुक है तो ये जाहिर है कि दो डेमोक्रेसीज के दरमियान ताल्लुकात की बात हो रही है, ये कोई मिलिट्री वर्सेस मिलिट्री जो है वो अलायंसेस नहीं है कि पेंटागन वर्सेस हो ना है. तो उसमें जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज होती हैं उसमें ओपिनियंस बदलती हैं, ओपिनियन मेकर्स की जो है वो इन्फ्लुएंस आगे पीछे होता है, उसकी वजह से नए लोग आगे आते हैं, पुराने पीछे हटते हैं, तो उससे एक मुख्तलिफ जो महाज होते हैं, फ्रंट होते हैं, उसमें एक तरह का रिफ्लेक्ट होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो कि होना चाहिए. अब ये नहीं है कि ये कोई जो है वो बिल्कुल ऐसा पैक्ट हो गया जिसमें कोई किसी तरह की जो है वो तब्दीली नहीं हो सकती. दुनिया में करीब तीन ताल्लुकात जिन मुल्कों के रहे हैं उनमें भी इस तरह की विद पैसेज ऑफ टाइम ओपिनियन चेंज हुई, चीज़ें बदली, और यही इंडिया वर्सेस अमेरिका था. लेकिन हकीकत यह है कि इंडिया जो है वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हो गया है कि वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक इंटरनेशनल सॉलिड
किस्म की जो रिलेशनशिप है वो डेवलप करे। और उसके उनके पास बहुत सारे ग्राउंड्स हैं। एक तो उनकी अपनी जो है वो कॉमन थ्रेट है, जो सबसे बड़ा ग्राउंड है चाइना के हवाले से, आल दो के एक जबरदस्त किस्म की अचीवमेंट जो है वो दूसरे महाज पे चाइना के साथ रिलेशनशिप में भी इंडिया कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद एक टेंशन तो मौजूद है, और मुस्तकबिल करीब में इंडिया देख रहा है कि कैसे मकाम पे आके तो उसका जो कहते हैं ना फेस टू फेस एक तरह का मुकाबला जो है वो बिलाखिर चाइना के साथ मुख्तलिफ रीजनल स्पेसिफिकली और इंटरनेशनल फ्रंट्स पे जो है वो होगा। तो उसको भी सामने रखते हुए वो अपना जो है ना एक जो है वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, जिसमें वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ एक ताल्लुक उनका डेवलप हो गया है। अब ये जो निटी ग्रिटी आप बता रही हैं इतने बिलियन डॉलर का दे दिया या दे देंगे, ये तो जाहिर है उसकी डिटेल्स हैं। और ये डिटेल्स जो इनके जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं या इस तरह की एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं उनको डिस्कस करनी चाहिए। लेकिन डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट है हम पे, इसका इम्पैक्ट क्या है कि इसके दो फोकस हैं, एक इंडो पैसिफिक और दूसरा साउथ एशियन रीजनल पॉलिटिक्स है। गुज़श्ता 20-30 साल से मैं कह रहा हूँ इन्हीं फोरम्स पे, गालिबन यहाँ कनाडा में आमनी टीवी एक लोकल न्यूज चैनल था मेन स्ट्रीम केबल, उस पर मैं बात करता था 15 मिनट की, कि हमारा मसला जो है साउथ एशियन का वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के जितने भी चल रहे हैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट हो, वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, पीस और वार के सवाल हैं, ये पूरी दुनिया को बिलाखर इसमें किसी न किसी तरीके से अट्रैक्ट करते हैं और इस पे फोकस करते हैं। तो हमें इस हिसाब से देखना चाहिए कि इस वक्त वो चीज़ें जो हैं आखिर 20 साल बाद, अब आपने देखा होगा कि ऐसे वाकयात साउथ एशिया पे बातें हो रही हैं, फलां बात हो रही है, तो वो सिमट के लोगों की समझ में आना शुरू हो गए कि इन चीज़ों को आप आइसोलेट करके तो हल नहीं कर सकते। इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी कुव्वत है इस रीजन के अंदर, एक एलिफेंट जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी में वो है इन द रूम वाली बात, उसको आप इस तरीके से फेस करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपको इसको डिस्कस करना है तो उसके नतीजे में ये दो इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स जो साउथ चाइना के हवाले से और दूसरा साउथ एशिया के हवाले से, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। पाकिस्तान इज टोटली आइसोलेटेड, एक जितने बड़े दावे आप मर्जी कर लें, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो जितना मर्जी कागजों के पेट भर दे, वो जितने मर्जी जो है अब जाली किस्म की कॉन्फ्रेंसेस मुख्तलिफ जो है वो बहस बदल के तो उन्होंने जो लॉन्च करनी शुरू कर दी है इंटरनेशनली, ये जो दोबारा फंडिंग उन्होंने शुरू कर दी, ये जो दोबारा जो वो सारा पुराना अपना फरसुदा और मरा हुआ जो है मरता हुआ डाइंग सिस्टम जो है कि ये इंडिया बहुत सक्सेसफुली एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बना चुका है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसमें कोई बुराई नहीं। ये बिलियंस ऑफ इंडियंस जो है उनका राइट है कि वो इंटरनेशनली अपनी स्पेस क्लेम करने के लिए या रीगेन करने के लिए, आखिर आफ्टर ऑल हिस्टोरिकली हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल पावर रही है प्री कॉलोनियल दौर से लेके, एक लेगेसी है उसको जो है वो बरकरार रखने के लिए उनका राइट बनता है। तो पाकिस्तान के हवाले से ये जो नेगेटिव पोस्चरिंग है कि जी हम नहीं मानते या हमें माने तो हमारे अंदर जो नरगसियत पसंदी है, अपने आप की जो मोहब्बत और अपने आप से इश्क के जिस रोग में हम मुबतला हैं उसको अगर आप तस्लीम नहीं करते तो दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। हम जो है वो यहाँ पे एक माफिया और अंडरग्राउंड जो है वो रोल प्ले करेंगे, जैसा कि आपने देख लिया, जिसकी रिफ्लेक्शन आपने अफगानिस्तान में देख ली, उसी की एक झलक खुद पाकिस्तान के अंदर भी है। जो स्टेट जो है अपने अवाम के साथ विद इन द स्टेट पीस फुली नहीं रह सकती और उनके खिलाफ इस तरह की साजिशें करती है सरकारी सतह पे, अपने दूसरे नेबर्स जो वन ऑफ द टॉप
मुस्लिम ब्रादर्स नस्ली और मजहबी एतबार से आपके करीब तरीन लोग जो अफगानी, उनको आप इतना जलील व ख्वार करते हैं कि मैं देख रहा था कि जो साबिक आपके जो हीरो थे इस सारी कहानी के, उनके बेटे ने एक आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने साफ लिखा है, जंग में पढ़ें, कि जनरल ज़ियाउल हक़ ने ये कहा था कि अफगानियों का मसला ये है कि उनको जो है वो एक रोटी और एक गोली चाहिए जो हम दे रहे हैं, बाकी अफगानियों का अमरीकियों से कोई ताल्लुक उनके साथ जितना लेन देन है सब कुछ हम कर रहे हैं, उनका काम है एक रोटी लेना और एक गोली चलाना। तो आप अगर अपने लोगों के साथ ये सलूक, जिनको आप अपना वन ऑफ द टॉप एलाइज, दोस्त, हमदर्द, ब्रादर, मुस्लिम, पता नहीं क्या क्या समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको बहुत बड़ा वर्क करने की जरूरत है रीजन के अंदर ये समझने के लिए कि आपको पीस चाहिए। तो पीस चाहिए तो आपको इंडिया के साथ टेबल पे बैठना पड़ेगा, उसमें ये सारे जो डिस्प्यूट है इंक्लूडिंग, उनको सामने रख के रिजॉल्व करना पड़ेगा, और ऐसा बाकदरे जोसा कि अपनी जो है वो इस्तादाद, जिसको आप कहते हैं ताकत, औकात, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, डिजर्वनेस, उसके मुताबिक मांगें, पूरा टेबल उठा के भागने की कोशिश में इसी तरह आप जो है वो ठोकरें खाते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया के अंदर भी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर भी जिनको आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी ओवरऑल इंटरनेशनली, ग्लोबली, यूनिवर्सली क्राइसिस में है, उसके बारे में बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, इंटरनल किस्म के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि ये आगे बढ़ रहे हैं और इसको तस्लीम करके ही तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सही सर, इसमें एक सवाल मेरा और होगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। ये जो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि साउथ एशिया रीजन की जब बात की जाती है कि ये इसको टैकल करने के लिए जो है ये दो लिख दिया गया, इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया, तो ऑब्वियसली साउथ एशिया रीजन में जो पाकिस्तान है वो तो, अब पाकिस्तान के ताल्लुकात भी अमरीका से, ठीक है, वो तो आपको पता ही है पहले कितने स्ट्रॉन्ग लाए थे, वो तो अब हालात कुछ अर्से से खराब हैं। तो आप समझते हैं कि जो अमेरिका है इसको बैलेंस कर पाएगा, यानी या अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, अमेरिका को इंडिया की जरूरत है, तो ऑब्वियसली जिस कंट्री को जिससे मफाद हो वो उसी की तरफ होता है, और इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान अपने लिए खतरा ये महसूस करेगा। लेकिन सर इसी के साथ ये भी कि पाकिस्तान का टिल्ट तो चाइना की तरफ है ना, तो चाइना की दोस्ती के साथ तो जाहिर है कि वैसे भी अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। नहीं, पहली बात यह है कि ये जो आप लफ्ज दोस्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा मिसयूज है। अमेरिका के साथ कभी भी पाकिस्तान की उस तरह दोस्ती नहीं रही है, एक क्लाइंट स्टेट की रिलेशनशिप थी जिसको बाकायदा डॉक्यूमेंट किया गया है, 100,000 ऑफ पेजेस पड़े हुए हैं दोनों मुल्कों के आर्काइव्स में, आप उठा के देख लें। वो एक तरह की वो सोल्जर फॉर हायर का रोल आपने प्ले किया एक स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अंदर, बुनियादी तौर पे जो इस खिते में उस वक्त भी, अब यही बात मैं अब कर रहा हूँ कि देखें ये जो साउथ इंडो चाइन जो पैसिफिक और साउथ एशियन रीजन मार्क हुआ है ना एज ए हाई रिस्क एक एक्सपोजर के हवाले से, उस वक्त वो जो है बस फर्क इतना था कि रीजन तो यही था लेकिन उसमें मेन प्लेयर जो है वो सोवियत यूनियन था, तो उसमें आपने एक रोल लिया था फुट सोल्जर का, वो रोल लेके आपने बाकायदा उसके पैसे लिए, मोर देन $100 बिलियन आपने लिए जिसको आप एड कहते हैं, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, बगैर किसी हिसाब किताब के, वो मुआवजा था किस चीज का कि आप हमारी जगह राइफल पकड़ें और जो है वो कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ाई करें, और वो रोल जो है आप दोबारा देख आपने इधर उधर देख के, तो जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ से आप फारग हो गए तो आपने चीन से लेने की कोशिश की कि चीन के हवाले से हम एक क्लाइंट स्टेट के तौर पे वही रोल प्ले करते हैं, हमारे पास फौज है, हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं और हम मैटर करते हैं, विच इज नॉट द केस, क्योंकि चाइना की जो डील है आपके साथ वो तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से के मुकाबले में काउंट ही नहीं होती। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पैसे उठा के आपको दिए, चूंकि उनका एक एजेंडा था हैरी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के तहत कम्युनिज्म को इंटरनेशनली ब्लॉक करने का,
उसके लिए उन्होंने एक बजट रखा, वो उठा के आपके आगे फेंक दिया बोरियों में डाल के। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं, उनका एजेंडा है अपने मफादात और अपना जो इंटरप्राइज है और उसके अंदर जो वो स्टेट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट का एक मलहूबा बनाया हुआ है उसको दूसरे मुल्कों में सक्सेसफुली बिजनेस लाइक मैनर में प्रोमोट करना, जो के कर रहा है। आपको 20% इंटरेस्ट पे पैसे मिल रहे हैं और चाइना जो है वो जिस तरह की भी डील आपके साथ कर रहा है वो बिजनेस डील है जिससे कि वो पैसे बना रहा है। तो ये जहाँ कहीं भी उनको ये जरूरत पड़ती है कि आपके साथ वो पॉलिटिकली खड़े हो जाएं, तो वो आपको दो टोक अल्फाज में बताते हैं और बताएंगे कि आप डायरेक्ट इंडिया के साथ बैठ के बात करें जी, इंडिया पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल ये है कि ये नेगोशिएट करें। कम से कम 2000 स्टेटमेंट चाइना के आर्काइव में आपको मिलेगी जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने वक्तन फक्तन जारी की। तो इस हिसाब अच्छा। से आप देखें तो कोई मुकाबला है ही नहीं, आप पनाह ढूंढ रहे हैं अपने एक पड़ोसी एक मुल्क के खिलाफ जिसके साथ आपके हिस्टोरिकल कल्चरल और रीजनल किस्म की जुड़त है। इन हकायक को आप एक तरफ करके तो आप इधर उधर जो है वो अंधेरे में अपना जो है वो ठोकरे खा रहे हैं। इसको जब तक तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक पाकिस्तान ये जिससे नाइटमेयर में फंसा हुआ है इससे निकलने के बारे में सोच ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। सर वेरी इनडेप्थ एनालिसिस यू स्पोक सो वेल, जो भी इसके सही आपने फरमाया। इससे सर आगे जब हम बढ़ते हैं तो एक और लेटेस्ट न्यूज जो हमारे सामने आ रही है वो ये हुआ है कि यूक्रेन और रशिया के बीच फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये जब से जो यूक्रेन की तरफ से एक हमला किया गया अगस्त के महीने में, तो उसके बाद पहली बार प्रिजनर स्वैप हुआ है। अब देखिए ये खबर उस वक्त सामने आई जबकि अभी मोदी साहब वहां से विजिट करके वापस पहुंचे हैं और वहां पर जेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी से ये कहा कि आप प्रेसिडेंट पुतिन से ये कहें कि वो जंग बंद करें। तो ये सर मीडिएशन की आपको पता है काफी अरसे से बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि मोदी साहब का स्टेटस है वो कि वो करवा सकते हैं। अच्छा अब ये इसके अंदर कहा जा रहा है कि यूएई भी मीडिएशन या कुछ बीच में था ये जो प्रिजनर्स का वो हुआ है। तो वैसे साहब क्या आपको लग रहा है कि वाकई ये रिजॉल्व की तरफ जा रहे हैं और जंग बंद हो सकती है, हालात बेहतर होंगे और वाकई इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमेटिक वे में बहुत बड़ी चीजें की गई हैं? सर कैसे इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखें ये प्रिडिक्शन करने वाली बात है और सिचुएशन बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन दुनिया के हालात इस तरह बढ़ रहे हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है ये मैं समझ रहा हूँ कि अब ये रूस का जो कोर है ना उसको टच कर रहा है। तो ये रूस के लिए एक सिचुएशन ऐसी नई क्रिएट हो रही है जिसमें उनको बहुत जल्दी हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को एड्रेस करना होगा, चूंकि ये गेम अब उनके हाथ से निकलती चली जा रही है। तो इस हवाले से जाहिर है कि इस वक्त अगर आप दुनिया में जो एक स्पेसिफिक सिचुएशन डिवेलप हो गई है उसमें इंडिया बड़ी एक प्रॉपर पोजिशन में आ गया है कि इनके दरमियान एटलीस्ट फैसिलिटेटर का रोल प्ले करे किसी तरह की नेगोशिएटेड सेटलमेंट में, चूंकि दोनों जो है उसकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। अब ये मसला नहीं कि आप बात ही ना करें या आई ना, एटलीस्ट दे आर लैंडिंग, उनके जो कान हैं उनकी बात जो है वो सुनने के लिए तैयार हैं। तो यही होता है, आप इसमें जो है वो जाहिर है ताकत का इस्तेमाल तो करने की गुंजाइश रही नहीं, दुनिया ने देख लिया, वेस्ट ने पूरा जो है वो यूनिफाइड रोल प्ले किया, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया तक और इंग्लैंड से लेके अमेरिका तक इसके लिए खर्च हुए, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ा, पूरा पावर बैलेंस चेंज हुआ, नए क्राइसिस ऐसे आ गए जो आइंदा सालों में दुनिया को हांट करेंगे। तो इस चीज से निकलना दुनिया की इस वक्त जिम्मेदारी है। और तीसरी चीज ये है कि इस वक्त जो स्टेटस को पावर्स हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और चाइना है, अब उनका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता जा रहा है कि वो इस चीज़ को रिजॉल्व करें वरना ये सिचुएशन सस्टेनेबल नहीं रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि आइंदा जो है वो बड़ी तेजी से आप इसमें
तब्दीली देखेंगे, और इसमें डेफिनेटली इंडिया एक रोल प्ले कर रहा है। और ये रोल ऐसे नहीं है कि अचानक हो गया, ये मैं बार आज का जिक्र कर चुका हूँ कि इसके पीछे एक सॉलिड हिस्टोरिकल जो है वो फाउंडेशन है, जो नॉन अलाइन मूवमेंट से लेके, तो आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड अगर रहा है इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पे कि आप लोगों के साथ हाथ करने या उनके साथ डबल स्पीक करने के बजाय जो है आप बात को किसी मकसद के लिए और अमन को प्रमोट करने के लिए अगर रख रहे हैं, तो उसकी बिलाखर किसी ना किसी सतह पे जो है वो जाहिर है पॉजिटिव रिस्पांस आता है। दैट्स व्हाट जो है वो इस वक्त मुझे नजर आ रहा है यूक्रेन रशियन और जो इंडियन पॉलिटिक्स। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर कि आपकी जब कंटिन्यूसली ऐसी पॉलिसीज हो तो फिर आपको उसका फायदा मिलता है, और इस वक्त ऐसे ही नजर आ रहा है कि भारत जिस स्टेटस पर मौजूद है तो वो जो उनकी पॉलिसीज रही हैं वो उसकी कंटिन्यूटी की वजह से उनको बहुत फायदा भी हुआ है। बैरिस्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपसे दोबारा भी बात होगी। आप बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।